श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण की दो ऐसी चमत्कारी चौपाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही लाखों मंत्रों के बराबर शक्ति रखती है। मान्यता है कि इन चौपाइयों के जाप से कठिन परिस्थितियां भी पल भर में दूर हो जाती हैं, और कितनी भी बड़ी परेशानी हो मात्र इनके जाप से शीघ्र ही यह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को सुखमय जीवन का पूर्ण वरदान प्राप्त होता है। पुराणों में भी इन चौपाइयों का विशेष महत्व बताते हुए जिक्र किया गया है कि जो भी जातक केवल सच्चे मन से एक बार भी इन चौपाइयों का गुणगान करता है उसे जीवन का हर सुख प्राप्त होता है और वह हर दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और कोई भी ताकत उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। यदि आप भी लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चौपाई की। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण बेत जस गावा, जप ही नाम जारत भरी, मिटी ही कुसंकट हो ही सुखारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हर हु नात मम संकट भारी। इस चौपाई का अर्थ है कि प्रभु श्री राम आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं। आपके नाम का जाप करने से बड़े बड़े संकटों का नाश हो जाता है। दीनों पर दया करना आपका विरत है, उसी विरत को याद करके हे नाथ आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए। वहीं दूसरी खास चौपाई है, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भजनु सुखदायक। इस चौपाई का अर्थ है कि विपत्ति के समय यदि आप धैर्य से कठिन परिस्थितियों में भी भगवान श्री राम का सच्चे मन से स्मरण करते हैं तो सभी विपदाओं का नाश हो जाता है और आप और आपको श्री राम की कृपा से सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन चमत्कारी चौपाइयों को जाप करने की विधि, क्योंकि इस बात का जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है कि बिना किसी अनुष्ठान के मंत्र और पूजा सिद्ध नहीं की जा सकती है, इसीलिए विधि जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इन चौपाइयों का जाप आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, क्योंकि जब आपके मन विश्वास होगा तभी आपके सभी कार्य पूरे होंगे। बिना श्रद्धा भाव के कोई भी मंत्र या उपाय कारगर नहीं होते, इसीलिए आपको धर्म पर पूरी आस्था होनी चाहिए। धर्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां पर हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस चौपाई का जाप कर अपने जीवन के सभी समस्याओं को दूर करें। सर्वप्रथम आपको रोज की भांति घर में पूजा करनी है, उसके बाद भगवान राम और हनुमान जी की मूर्ति के सामने साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं और घी का दीपक जलाएं, धूप दीप अगरबत्ती करें। इसके बाद कम से कम 11 बार हर रोज इन चौपाइयों का जाप करें। दोस्तों, इन चौपाइयों को रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। इस चौपाई को पढ़ने से बड़े संकट टल जाते हैं और हमें कठिन समस्याओं से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। इस चौपाई को पढ़ने के बाद प्रतिदिन राम भगवान जी की इस चौपाई का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप रोजाना एक चौपाई को पढ़ते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इस चौपाई के पढ़ने के साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा। याद रहे, जब आप यह चौपाई पढ़ने जा रहे हो तो उस वक्त आप साफ जगह पर बैठे हों। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको धर्म पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी और आप हमेशा एक अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य देख सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।